प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जब सच में 56 इंच की छाती दिखाने का मौका आया, जब अपने 20,000 छात्रों के लिए दुनिया से लड़ जाने का मौका आया, जब ये कहने का मौका आया है कि पुतिन अगर हमारे छात्रों को खरोच भी आई ना तो तुम्हारी पुश्त याद रखेंगे, जब 56 इंच का डंका दुनिया में बजाने का मौका आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए रैलियां करने में व्यस्त हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में पढ़ने गए छात्र छात्राएं वीडियो बना बनाकर भारत की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही है, हमारी मदद कीजिए। लेकिन उनके वीडियो सिर्फ ट्विटर पर व्यू पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी यूपी में 2022 का चुनाव जीतकर 2024 में अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, तो अब हमें जवाब देने को करेगा। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है टीम में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी, तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएं। मोदी जी की सरकार राम को लाई है, तो हमारी अपील है कि यूक्रेन में फंसे 20,000 बच्चों को भी ले आए। कहते हैं कि 25-30 हजार रुपए का एयर टिकट 80,000 और 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। जो छात्र स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई कर रहे हैं उनका इतना महंगा टिकट खरीद पाना मुमकिन नहीं है। बिहार की इस माँ को सुनिए जरा। मोदी सरकार से बोल रहे हैं मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए, और किराया बहुत ज्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के। क्रिटिकल सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, और बच्चे काफी दहशत में हैं। जो अभी भी एयर इंडिया की किराया, एयर इंडिया भी फ्लाइट लेकर आई थी, उसका किराया भी इवैक्यूएशन के नाम पे 60,000 रुपए रखा गया था, जो कि एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी नॉर्मल फ्लाइट यहाँ भी जो भी होती है वो 20,000 के आसपास में होती है, लेकिन एयर इंडिया भी लूट कर रही है, जो आपदा में अवसर कहते हैं वो वाले चीज कर रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाया जाए। लाखों करोड़ रुपए आप धन्ना सेठ उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, है ना? छात्रों को मुफ्त में नहीं ला पाए, आप मुफ्त राशन तेल और नमक दे रहे हैं, 20,000 छात्रों को टिकट भी दे दीजिए। अगर आज सुषमा स्वराज जी जिंदा होती ना तो जवाब जरूर देती, लेकिन जिनको जवाब देना है वो रैलियों में भाषण दे रहे हैं। यूक्रेन में फंसी इस छात्रा का दर्द भी सुन लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की इतना टिकट करा के वो चले जाए इस सिचुएशन में, जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी। इन बच्चों को छोड़िए, ये तो सरकार को बदनाम करने के लिए रो रहे होंगे। भारत के जिम्मेदार न्यूज चैनल बच्चों को छोड़ युद्ध की गौरव गाथा गा रहे हैं, भारत के लोगों को पुतिन का पराक्रम समझा रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर फेंका जा रहा एक एक बम का गोला यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों की जिंदगी पर भारी पड़ता है, लेकिन भारत का गोदी मीडिया पुतिन का महिमा मंडन करने में जुटा हुआ है। लिखते हैं ये पुतिन है, घर में घुसकर मारता है, फ्लावर नहीं फायर है पुतिन, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चटकारे लीजिए। भारत ने 182 छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला, उसके बाद दूसरी एयर इंडिया की फ्लाइट रास्ते से ही वापस आ गई, क्योंकि यूक्रेन में किसी यात्री विमान को उड़ने की परमिशन नहीं है। तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि 56 इंच का सीना दिखाने का अब मौका आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर पुतिन पर यह दबाव बना सकता था कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित यूक्रेन से निकाल ले, उसके बाद आप लोग लड़िए मरिए चाहे जो करिए, अगर हमारे एक भी छात्र को खरोच आई ना तो पुतिन तुम्हारी पुश्ते याद करेंगे, कि भारत के बच्चों पर गोला बरसाना आखिर होता क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भारतीय छात्र वीडियो बना बना कर रो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। हालत यह है दोस्तों
कि लोग प्रधानमंत्री को छोड़कर यूक्रेन से अपने बच्चों को वापस लाने के लिए सोनू सूद से अपील करने लगे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनू सूद युद्ध क्षेत्र से बच्चों को वापस नहीं ला सकते, सरकार ला सकती है अगर अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करे तो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। युद्ध अपने आप में एक समस्या है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चुनाव लड़ने के चक्कर में हमारी सरकार दूरदर्शी होना भूल गई है। छात्रों को समय रहते निकाला जा सकता था, क्योंकि सरकार को न्यूज चैनल देखकर न्यूज नहीं मिलती है दोस्तों, गुप्तचर सिस्टम से पहले ही मालूम हो जाता है कि आखिर होने क्या वाला है। मैं प्रज्ञा मिश्रा अपनी सरकार से अपील करती हूँ कि यूक्रेन में छिड़े भयानक युद्ध के बीच से हमारे छात्रों को, हमारे अपने देश के भविष्य को सुरक्षित देश वापस ले आया जाए, चाहे इसके लिए दबाव बनाकर 2-4 दिन के लिए युद्ध क्यों ना रुकवाना पड़े। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।